हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज फिर से व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि आज हम लोग के पास टाइम है और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो मम्मा बेटू थोड़ा सा धूप में भी रहते हैं, वहीं पढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और सर्दियों में तो धूप में बैठने का मज़ा ही कुछ और है। जिन लोगों को विटामिन डी की कमी होती है या जिनकी हड्डियाँ चिटकती हैं ऐसे 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 करने पे, जो हड्डियों में से आवाज़ आती है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है इस नरम नरम सी धूप में बैठने में। तो आप लोग भी ज़रूर से धूप में बैठा कीजिए, बॉडी में धूप लगना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ और देखती हूँ कि आज मैं क्या क्या करती हूँ। दोस्तों, बीते दिनों में पहले बता दूं आपको कि बीते दिनों में मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मैं जो है धनतेरस से 2 दिन पहले सीढ़ियों से गिर गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन फिर भी चोट तो आई थी तो भगवान ने बहुत बहुत रक्षा की, मुझे बिल्कुल ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन मैं किसी काम करने के लायक नहीं थी 2 दिन। और धनतेरस वाला दिन तो क्रूशियल था। ऊपर से उत्कर्ष ने मुझे एक टास्क दिया था धनतेरस पे कि मम्मा आप पूरा दिन भर साड़ी पहनेंगी मेरे लिए। तो हालांकि गिरने के बाद मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने उत्कर्ष की इच्छा को रखा, मैंने साड़ी पहनी दिन भर। सबको बहुत अच्छा लगता है त्यौहार में सजना संवरना, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन समहाउ बहुत ज़्यादा काम मैं नहीं कर पाई इस बार दीपावली का। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ कुछ छोटी छोटी रेमिडीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। कुछ कुछ बनाई हुई है मैंने, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कितना काम की लग रही हैं और कैसी लग रही हैं। जहाँ मुझे आई बैक में चोट लगी है ना, वो बैठने नहीं देती है। धूप की लालच में ही मैंने ये झूला यहाँ पे लगवाया था कि ठंड में मुझे यहाँ बैठना अच्छा लगता है। उत्कर्ष यहीं खेलते रहते हैं, मैं उन्हें देखती रहती हूँ, अपने कुछ कुछ काम करती रहती हूँ, कुछ सिलना हुआ या कुछ बनाना हुआ तो मैं यहीं करती रहती हूँ और उत्कर्ष यहीं पे मेरे पास खेलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बताइए क्या दिखाना है आपको, दिखाइए ये क्या है। ये क्या बोलते हैं तुमने बनाया है, तुम बताओ। सब्जी बेचने वाले वो करते हैं। ओह अच्छा अच्छा, इसको हम लोग ठेला बोलते हैं। हाँ, ठेला से ठेला। हाँ, ठेला ठेला पढ़ा है ना। तो ये सब्जी वाले भैया लोग इसको या कोई भी सामान बेचने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। आपने ठेला बनाया है। हाँ, क्या बेचने वाला है उत्कर्ष? सब्जी। हो गया कल्याण। तो ठेले में तो यूजुअली तो सब्जी करते हैं ना, सब्जी फल फ्रूट्स आप बेच सकते हो कि आपके पास स्ट्रॉ फ्रूट्स हैं और सब्जी तो नहीं है। इसकी इंग्लिश सुन के मुझे याद आया कि जब मैं कोई रेमेडी डालती हूँ या रेसिपी डालती हूँ तो आप लोग इंग्लिश सबटाइटल डालने की बात करते हैं, या आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि मैंने जो भी रेमेडीज़ वगैरह शेयर की है तो मैं हिंदी में बोलती हूँ, और कुछ केरल या साउथ के कुछ लोग हैं जो बोल रहे थे कि उनको समझ में नहीं आता तो मैं इंग्लिश में भी डालूँ। सो मेरी इंग्लिश बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। अर्थ का अनर्थ निकल सकता है, बहुत बड़े बड़े खतरे हो सकते हैं, जैसे ये अभी बोल रहा था यूजुअली को आजुअली तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, इसलिए मैं नहीं डालती।
तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना व्लॉग आज एंड कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।